हेलो, हाय सुमेध, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम वेरी गुड. द नेट. हाँ जी, हाँ जी, आई कैन हियर यू. व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट. यस, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी एक्साइटेड एंड दे वर वेटिंग फॉर यू टू जॉइन. फर्स्टली थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू पुणे टाइम्स इंस्टाग्राम लाइव. इट्स एग्जैक्टली अ ईयर सिंस यू अलाइव विद अस द लास्ट टाइम. यस, तो दिस लाइव इज सो यस, स्पेशल बिकॉज़ आई एम सॉरी टू कट यू, बट यस, जितने भी लोग एक्साइटेड है जिनके आप बात कर रहे थे, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू गाइस जी एंड लॉट्स ऑफ लव टू पुणे टाइम्स. एक साल बाद हम बात कर रहे हैं. आई होप योर और आगे का ये भी आपका अच्छा जाए. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. ये लाइव स्पेशल है क्योंकि कल जन्माष्टमी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड यू आर सॉर्ट ऑफ एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा सो मच इन योर रियल लाइफ एंड रियल लाइफ. आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी? कैन यू शेयर हाउ व्हाट इम्पोर्टेंस डज द शो द फेस्टिवल हैव इन योर लाइफ एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? आई गेस पहले तो हम यूजुअली जाके दही हांडी फेस्टिवल्स अटेंड करते थे, देखते थे पुणे जी में जाके. व्हेन आई वाज वेरी यंग, एक पॉइंट के बाद जब मेरे करियर के लिए हमने मतलब मैंने काम करना शुरू किया, मैं मुंबई आया, स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट. आफ्टर दैट थिंग्स चेंज. लाइक मैं बहुत सालों तक अपनी फैमिली से अच्छे से टाइम से मिल नहीं पाता हूँ. जाता हूँ तो शायद एक दिन दो दिन में वापस आना पड़ता है. बट दे अंडरस्टैंड, उन्हें पता है कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों ये अवेलेबल नहीं है. दे ऑलवेज बीन सपोर्टिव माई होल फैमिली, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. जन्माष्टमी की जब भी हम बात करते हैं तो एक पॉइंट के बाद व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, लाइक 13-14 years ओल्ड समथिंग, उस टाइम पे जन्माष्टमी और सभी ये फेस्टिवल्स मेरे लिए बहुत स्पेशल हुआ करते थे. क्योंकि इस टाइम पे पुणे में किस ना किसी टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते थे, डांस कॉम्पिटिशन्स, लोकल कॉम्पिटिशन्स कहीं पे, तो हम लोग वहाँ जाते थे. तो हमें हमें तो इसी की तलाश होती थी. व्हेन यू डांस और यू एक्ट और यू डू व्हाट एवर, आपको तो फिर तलाश होती है कि कहीं प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं अपना टैलेंट शोकेस कर सकूँ, हारूँ या जीतूँ, बट एटलीस्ट कुछ सीख के वहाँ से बाहर निकलूँ. सो यही मेरे साथ भी हो रहा था. तो हम इन कॉम्पिटिशन का बहुत वेट करते थे. तो ये मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कि शायद ऑल दीज फेस्टिवल्स सब आर्टिस्ट के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स भी. फिर उसके बाद जब से मैं शो में आया हूँ तो तब से तो हर जन्माष्टमी लाइक इट्स बीन लाइक अ सर्विस टू कृष्ण, टू ऑल द पीपल हु बिलीव इन कृष्ण, हु लव कृष्ण, सभी के लिए. क्योंकि मैं जितना अच्छा परफॉर्म करता हूँ लोगों को, मैं जितना भगवान कृष्ण के कैरेक्टर के थोड़ा बहुत भी पोर्ट्रेल मेरा उनके समीप जाता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे बस यही लगता है कि मैं जन्माष्टमी के दिन अगर ये चीज़ कर पाऊँ लोगों के लिए कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और थोड़ा अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देती हूँ, तो लोगों को वो मीडियम के थ्रू बहुत अच्छा लगता है देखने में. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट एट दीज टाइम्स. अभी बिकॉज ऑफ कोविड सेलिब्रेशंस काफी अलग हो गए हैं. कोई दही हांडी नहीं हो रही है, कोई गैदरिंग नहीं हो रही है. तो आपने सेट पे सेलिब्रेट किया विद योर कास्ट, योर को-स्टार्स. हाउ इज गोइंग टू बी द सेलिब्रेशन? लास्ट ईयर वाज अ सिमिलर सिनेरियो, सो विल दिस ईयर बी? तो कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं कल? देखिए, सेलिब्रेशन से ज़्यादा एक एक खुशी का माहौल होता है. अभी वो बहुत अच्छा तो लगता है कि जहाँ पे इतनी सारी भीड़ भाड़ में से हम अपने एक साथ इकट्ठे होकर हम सब वे सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ आवर फेवरेट कृष्ण, तो अच्छा तो लगता है बहुत. बट हमको ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो शायद अगला साल भी ऐसे ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा. तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. हम लोगों ने तो अब तक शूट किया है, कल भी हम शूट ही करने वाले हैं. तो यही है हमारा फिलहाल. देखिए, शुरुआत में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं अपने बर्थडे को भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया है काम करके. मिलता नहीं था हम लोगों को, मुझे तो नहीं मिलता था. तो आई वॉज वेटिंग सो डेस्परेटली फॉर सम प्लेटफॉर्म एंड थ्रू स्वास्तिक, थ्रू सिद्धार्थ सर, थ्रू कृष्ण भगवान, आई गॉट दिस एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट. सुमित, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. एक इंटरेक्शन के बीच में दो चार क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन. ओके, आई जस्ट सॉ प्रीवियसली समवन वाज सेइंग
When are you coming to Pune? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. इवन माई मॉम आस्क मी द सेम क्वेश्चन, बट मैं नहीं जा पाता. एक्चुअली काम ऐसा चल रहा है, टचवुड, कि कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स हमारे जो हम कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी काफ़ी टाइम जाता है. एंड पुणे इज़ नॉट रियली वेरी वेरी नियर, थोड़ा दूर है. तो कोशिश तो करता हूँ मैं, बट ऐसा इतना छुट्टी मिलता नहीं है. एक दिन में जाके आना तो इट्स लाइक 7 hours ट्रेवल टू पुणे, कमिंग बैक तो घर पे रहूंगी कितनी देर के लिए, तो और बुरा लगता है घर जाके, अरे रुकना है रुकना है रुकना है रुकना है, फिर वापस चले गया मुर्गा. तो थोड़ा है डिफिकल्ट. बट टू ऑल द फैंस जो पुणे में है, मैं शो के बाद ही अच्छे से, अगर कहीं पुणे में कभी कोई इवेंट होता है, यू गाइज विल नो थ्रू माई सोशल मीडिया हैंडल. एंड डेफिनेटली जब ऐसा कोई पर्व आएगा जहाँ पे मैं आ पाऊंगा पुणे, तो हम डेफिनेटली वहाँ पे मिलेंगे. तो मेरी एक सवाल है, किसी ने लिखा है कि काफी सारे शोज, टीवी शोज अचानक ऑफ एयर चले गए पैंडेमिक में, एंड दैट हैज सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर से. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई गेस दिस अनसर्टनिटी इन एवरी फील्ड, राइट? हर एक फील्ड जैसे पहले थी वैसे नहीं है. अनसर्टनिटी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहले से ही थी. ऐसा कभी नहीं था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको फुल प्रोवाइडेड सिक्योरिटी थी कि येस यू कीप वर्किंग हार्ड एंड यू ऑलवेज गो फॉरवर्ड. आई ऑलवेज सीन थिंग्स गोइंग रॉन्ग विद पीपल हु डिजर्व टू ग्रो, वो भी आगे कभी नहीं बढ़ पाते. कई बार ऐसा मैंने देखा है. अभी क्या है कि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, बजट्स कम हो गए. एंड डेफिनेटली जो लॉकडाउन से पहले जो एक वाइब था काम का, वो थोड़ा कम हो ही जाता है. एंड आई गेस ग्लोबली अफेक्ट की है, तो मैं इसको दिल पे नहीं लेता इतना ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि करते रहो जो कर रहे हो, और यू नो ट्राई ट्राई वर्किंग मोर हार्ड. इस टाइम पे रिवॉर्ड्स उतने नहीं मिलेंगे शायद जितना आप डिजर्व करते हो, बट इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यही शायद बड़ी बात है. सो ट्राई योर बेस्ट कि आप जितना हो सके और बेस्ट दे सको, एंड द टाइम विल गिव इट बैक टू यू, इज व्हाट आई हैव नोन ऑलवेज. फिल्म आने वाली थी, मराठी फिल्म मानिए जाले विद सानंदी बेर्डे, एंड लाइक सो मेनी एक्टर्स जिनकी फिल्म अभी थिएटर्स में आने के लिए रुकी हुई है, स्पेशली महाराष्ट्र में जहाँ पे अभी स्क्रीन्स चालू नहीं हुए हैं, मल्टीप्लेक्सेस आर शट. सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ, एंड हैव यू साइंड अप एनी न्यू फिल्म्स इन द लास्ट 1 ईयर, एनीथिंग फॉर योर मराठी फिल्म फैंस? नो, एज ऑफ नाउ नो न्यू फिल्म आई हैव साइंड. देयर इज समथिंग बट आई कांट टॉक मच अबाउट इट. बिसाइड्स अबाउट मन येड्या गत झालं, आई थिंक सो आई एक्सपेरिमेंटेड विथ माई एक्टिंग अलॉट इन दैट मूवी, एंड आई एम एक्साइटेड. द थिंग इज प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी मूवी आप जब रिलीज करना चाहते हो तो होती है प्रॉब्लम्स में, एक प्रॉब्लम नहीं होती है. तो कोई बात नहीं, आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट. आई डोंट थिंक मच अबाउट एनी थिंग. द थिंग इज अगेन, तुम कर करते जाओ, अपनी फल की चिंता ना करो. तो मैं कर्म कर रहा हूँ, बाकी जो होना चाहिए जो सही होगा वो भगवान करेंगे, इतना मुझे पता है. वो बिलीफ मैंने रखना शुरू कर दिया लाइफ में. तो जब ये बिलीफ हम डालते हैं कि वॉट एवर इज इन माई हैंड्स आई डू इट, बाकी जो मेरे हाथ में नहीं हो भगवान के हाथ में, उनके हाथ में छोड़ दो, तो भाई आप यू डिड दिल दोस्ती डांस एंड मराठी फिल्म्स, यू लाइक यू डन कपल ऑफ देम, आपका खुद का यूट्यूब चैनल है एंड यू आर अ डांसर. व्हाट्स नेक्स्ट ऑन योर माइंड? इज बॉलीवुड ऑन योर माइंड? डू यू एस्पायर टू टेक ऑन अ फ्यू रोल्स इन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एज वेल? आई डोंट थिंक सो. आई एम अ पर्सन हु इज एबल टू चूज ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ, कि मैं ये करना चाहूँगा, मैं वहाँ से ये करना चाहूँगा. इट्स नॉट दैट. फॉर मी इट्स सिंपल राइट नाउ, जो मेरे पास आ रहा है उसमें से मुझे अगर लगता है कि वो चैलेंजिंग है, मेरे लिए कुछ नया है, मेरे लिए कुछ डिफरेंट है, और मुझे काम करके एक वर्क सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कि शाम को जब मैं घर आऊँ तो मुझे एक शांति से सोने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ काम करने का कहीं अगर मुझे कुछ मिलता है, सो दैट समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट बॉलीवुड और मराठी सिनेमा. वेर एवर द अपॉर्चुनिटी कम्स फ्रॉम,
इफ आई लाइक इट, इफ आई बिलीव इन दैट कैरेक्टर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को वहां पे रोकूंगा। अभी रिसेंटली जो फिल्में आपने देखी हैं उनमें से कोई एक कैरेक्टर दैट यू थॉट दैट यू वुड वांट टू प्ले और यू वुड लाइक टू पोर्ट्रे दैट? नहीं, फिलहाल देखिए पिछले 3 साल से मैं श्री कृष्ण का किरदार पोर्ट्रे कर रहा हूँ जी स्क्रीन, तो उसके बाद कोई और कैरेक्टर करने की सोचना, ये तभी सोच सकते हो जब आप उसके लिए एटलीस्ट रेडी हो या यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, बिकॉज इट्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल फ्रॉम वॉट एवर आई एम वॉचिंग ऑन टीवी। तो मुझे उससे पहले अच्छे से बाहर निकल के फिर कहीं कुछ करना है तो बड़ा करना पड़ता है। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि मैं श्री कृष्ण जैसा एक डिवाइन कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी काम, विच इज़ वेरी सटल, वेरी स्वीट, वेरी पॉजिटिव। उतने वैसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, तो वहां से निकल के मुझे एक इंसान बनना पड़ेगा विथ लॉट ऑफ फ्लॉज, विथ वेरी नॉर्मल क्वालिटीज, तब जाके मैं वो कैरेक्टर्स प्ले कर पाऊंगा। लेट्स सी, अभी ज्यादा बोल भी नहीं सकता। किसी का सवाल है आपके लिए? आपने अपने कर्ली हेयर क्यों कट किए? मुझे काफी पसंद थे आपके बाल। हाँ, आई नो। अच्छा, जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू स्पीक अबाउट द जन्माष्टमी फूड आल्सो। काफी डिफरेंट रीजन के काफी अलग अलग क्विजींस हैं जो लॉर्ड कृष्णा को ऑफर किया जाता है। आपका फेवरेट कौन सा है? इज इट द श्रीखंड और देखिए एनी अदर डिश? मैं तो अपनी मम्मी का लाडला ही हूँ ना, तो मुझे तो बस बहाना चाहिए, मुझे जब मेरा जो फेवरेट है वो खाने का, तो जन्माष्टमी हो, मेरा बर्थडे हो, किसी और का बर्थडे हो, जो भी हो, मम्मी को बोलता हूँ कि ये चीज़ें रेडी कर, मैं ये खाना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे है मेरी विश लिस्ट में, कुछ पापा को बोलता हूँ बाहर से मिठाई लाओ, मम्मी को बोलता हूँ घर पे ये बनाओ, तो वो चीज़ चलती है। बट इट्स बीन लाइक इयर्स इन सब चीजों को होके, बहुत बहुत साल हो गए। Sumit, for someone like you, an actor who's so popular with so much of social media following and hectic work schedule, so much popularity, do you with and all the female fan attention that you get, how do you keep yourself grounded, A, and B, do you find time for love and romance amidst all of this? The first thing, the first question that I ask, that you've asked, कि how do I handle and how do I keep myself grounded? See, मैं, it's not like the first time I'm reaching some high, okay, in life. It's ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये टाइप का, इस लेवल का मुझे कुछ मिला है, ऐसा नहीं है। बट पहली बार नहीं है जो मुझे थोड़ा एक फेम मिला या मुझे ऐसा कहीं लगा कि थोड़ा मैंने सक्सेस ग्रास्प कर लिया है। सो पहले भी मैंने ग्रास्प किया है, वहां पे अननोइंगली आ जाता है, ये जो हम कहते हैं ना हवा में उड़ना, ये अननोइंगली आता है, कोई जान के ये नहीं करता, उसे उसके अंदर अपने आप ये फीलिंग डेवलप होती है कि हाँ मैं कुछ बन गया हूँ। एंड इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, आपको लगता है कि यार यस आई हैव मेड समथिंग आउट ऑफ माई लाइफ। सो इट्स वेरी नॉर्मल, इट फील्स वेरी नॉर्मल, तब नहीं लगता हमको कि ऐसा है। बट जब आप गिरने लगते हो ना लाइफ में वापस नीचे, जब वो फेम जो आपने अचीव किया वो नीचे 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 आने लगता है, तब आपको रियलाइज होता है कि यस मुझ में आ गया था एक ईगो, एक एटीट्यूड, मैं खुद को थोड़ा ज्यादा समझ रहा था, आई हैव टू स्टे ग्राउंडेड। तो ये सब चीजें होती हैं, बट एवरी टाइम यू इवन इफ यू नो, हर बार कुछ ऐसी चीज होती है एक सक्सेस के बाद जो आपको थोड़ा ऊपर ले जाती है, जहाँ पे आप ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हो जाते हो। मैं भी हुआ था, मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं था। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ग्रेजुअली मैंने रियलाइज़ की। जब फेम आया तो सबको लगता है कि यार यू नो ही इज़ गेटिंग एवरीथिंग दैट ही वांट्स, इवन आई फेल्ट कि मुझे सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू बिकम फेमस योर लाइफ चेंजेस कम्प्लीटली, ठीक है? तो जो लोग आपको जानते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग आपसे कई बार बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट उनको करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यू नो आप में अगर कोई चीज़ है, अगर मेरा भाई है मुझे बोल सकता है सुमित तेरी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, बट ये लोग बोल नहीं सकते ना, बोलते हैं तो बस चेहरे पे। आपके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिलते हैं प्यार से और पीठ पीछे उनका इतना सम्मान, इतना प्यार आपके लिए नहीं होता है, विच इज़ ओके, विच इज़ लाइक अ पर्क ऑफ बीइंग फेमस। हर एक चीज़ ये नहीं लगती,
आप 100 लोगों को नहीं जानते, पर 100 लोग आपको जानते हैं। आपको हर जगह प्राइवेसी नहीं मिलती, आपको हर जगह अपने आप खुद बनने का ही नहीं मिलता, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। स्पेशली मैं फील कर चुका हूँ ये, और बहुत कैंडिडली आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मुझे जब लगता है कि मैं श्री कृष्ण का किरदार प्ले करने वाला एक एक्टर हूँ, तो मुझे भूलना पड़ता है कभी कभी। मैं 24 साल का लड़का हूँ, मुझ में इतने फ्लॉज हैं, मैं इतना मस्तीखोर हूँ, या मैं इतना केयरलेस हूँ। मुझे वो सब भूल के ना उस क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन को मैच करने की कोशिश हमेशा मैं करता हूँ, ताकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता जो मुझसे उम्मीद रखते हैं हर बार। तो वो एक चीज़ होती है। सेकेंड टाइम प्यार, देखिए प्यार तो आप टाइम हो नहीं हो, इंसान हो आपके साथ नहीं हो, प्यार तो दिल में होता है। तो आप काम करते करते भी आपके दिल में प्यार हो सकता है, आप सोते हो तो सपनों में भी आप जिनसे प्यार करते हो वो होते ही हैं, तो ऐसा तो कोई ये नहीं होता। हाँ, अगर रिलेशनशिप की वगैरह आप बात करो तो ऐसा होता है कई सारी जगहों पे कि टाइम चाहिए, मिलना चाहिए, ये सब चीज़, विच इज़ ऑल्सो वेरी वैलिड। बट वो चीज़ के लिए हर हर किसी के पास, शायद ये देखिए हम यहाँ मेरे सामने अभिजीत जी बैठे हैं जो हमारे प्रोडक्शंस है, तो उनको दिखाने का मतलब ये कि वो भी अपनी फैमिली से दूर हैं, अपनी वाइफ से दूर हैं, बट यहाँ काम कर रहे हैं, तो मेकिंग मेक दिस शो बेटर होता है। वी लॉस्ट यू गेट। अभी अभी हाँ अभी ठीक है, बेटर। हाँ, तो थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, तो ये चीज होती है। सुमित, कैन यू स्क्रॉल अप एंड रिप्लाई टू सम ऑफ द फॉलोअर्स, बिकॉज़ दे वांट यू टू जस्ट कॉल देयर नेम्स एंड विश देम हैप्पी बर्थडे एंड ऑल ऑफ दैट। यस डेफिनेटली। हेलो पायल सिंह, हाय, हेलो, अब सब सिर्फ हेलो बोलेंगे, अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। गोवा वाले बीच पे हैप्पी जन्माष्टमी दिबांग्शु दे ऑफिशियल। सुमेर ब्राइट कह रहे हैं कि आपको देख के भूल जाते हो क्या कहना है, कोई बात नहीं, आप फिर से याद कर लो। इफ समवन टेल्स यू टू मेक अ सीक्रेट फैन पेज, वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई, इंटरेक्ट विद योर सुमेरियंस। अरे देखिए, ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैंने, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है। अभी आज भी शूट से बीच में टाइम निकाल के अब यहाँ पे आऊँ, यहाँ से जाके मुझे आज ज्ञान कितने शूट करने हैं, चार, आज इसके बाद चार कृष्ण ज्ञान हम शूट करेंगे, उसके बाद सीन्स है दो, तो ये तो होता ही है, तो मैं कहाँ से ये सब खुराबाती सोच पाऊंगा, बताइए। टेक माई नेम, हाई शुभी अंडरस्कोर 2251, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। चाय पी लिया आपने? नहीं, मैं थोड़ा चाय मैंने बहुत कम की है पिछले कुछ 4 दिन से, शायद मैंने एक भी चाय नहीं पी है। समथिंग अबाउट सुमेरियंस, सुमेरियंस, यस, टू ऑल द फैंस लॉट्स ऑफ लव। Yes, this was a long due life that we planned. Also, as much as people are your fan, they are also fan of your pet. I'm sorry for getting his name. They चिकू, love him a lot. चिकू, चिकू बेब्स, Yes, Chico Bibs. Yes, it has. He has an Instagram page, right? या she has, She has an Instagram page. I'm so sorry. I actually सभी उसके फैन हैं, एंड मुझसे ज़्यादा, मतलब मैं खुद भी उसका फैन हूँ, तो हम मेरे घर पे जब सभी आते हैं तो मुझसे मिलने कम, मुझसे मिलने ज़्यादा आते हैं, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज़ शी इज़ वेरी स्पेशल, बहुत प्यारी है वो। And one of the best dogs I have seen in my life. Not exactly well trained. थोड़ा उसका है इधर उधर सुसु पोटी करना उसका चलता रहता है, but otherwise she is very very nice. So when you're away and you are shooting, how do you take care of her? नहीं, I have a person who takes care of me, Okay. my place, my pet, my belongings, everything. Who takes care of me when I, मतलब मैं सोता हूँ, उठता हूँ, खाना बनाना, सभी चीज़ें, सो आई बीन टेकन केयर ऑफ इन दैट सेंस। Your pair against Malika, and people are very, very, very fond of the two of you. And in fact, some of them were asking, "Where is she?" And people often end up connecting people romantically, even if they are friends and they're working together. So, how do you respond to that kind of attention that the two of you get together, because you guys are on-screen couple and playing Radha and Krishna?
आई गेस वी मी एंड मलिका वी आर वेरी डिफरेंट बट वी शेयर अ वेरी 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 गुड बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इफ देयर इज एनीथिंग टू शेयर इफ देयर इज एनीथिंग टू शेयर विद द पब्लिक विल डेफिनेटली कम अहेड एंड वी विल शेयर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट राइट सर्टन थिंग्स वो थोड़ा होता ही है यू नो पीपल लव योर पेयर पीपल जॉइन थिंग्स विच इज ऑल ओके यू नो देयर इज नथिंग इनिशियली आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट देन येस इट्स ओके माई एंड मलिका'ज बॉन्ड रिमेन्स टू बी स्ट्रॉन्ग वी रिमेन टू बी रियली रियली क्लोज फ्रेंड्स एंड इट्स ऑल गुड But how long has it been since you went to Pune? लॉकडाउन के बाद में नहीं है Lockdown के बाद, because someone was asking in one of the comments when we promoted your creative and they were like, is he coming home for Ganpati? Because they feel that you don't come to Pune enough. Yeah, even my mom does feel that. I don't come to Pune. Even I feel that. But the thing is, keep schedule ऐसा है. If अगर मैं मेरा अगर जितना मन करता है उतना अगर मैं पुणे जाया करूँ तो शायद इतने एपिसोड्स जो आप टीवी पे देख पाते हो देख नहीं पाऊँ. We have to create 5 episodes per week, and it's not easy. When the show is Radha Krishna and you're playing Krishna, it's difficult. And it's not just for me. जितने भी main leads होते हैं उनके लिए बहुत difficult होता है. The thing is कि आप वो short time span कर सकते हो. क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि अभी 3 साल हो गए हैं. People really get tired every single day. You don't get enough breaks. लोग टायर्ड हो जाते हैं. कभी किसी और का कुछ इम्पोर्टेंट फैमिली फंक्शन होता है. हम जल्दी जल्दी में शूट खत्म कर सकते हैं राइट बट वो क्वालिटी कहीं ना कहीं फिर लैक कर जाती है. वो हम नहीं चाहते. It's always said shooting for television is exhausting and but at the same time it's also important that you take small breaks and take care of your well-being, your emotional well-being. How do you manage that? How do you do that amidst such hectic schedule and back to back? You know, you have also the location and the costume, and long in extended hours. How do you manage to stay sane? Yeah, nice question. Thanks. The thing is, it's not easy. It's not at all easy. Especially जब आप कुछ भी करो, कभी भी, you know. आपके ऊपर हमेशा जब आंखें होती है ना इट्स वेरी हार्ड. इट्स वेरी हार्ड बट इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप मिलता नहीं है. मैंने मैंने एक बीच में एक पोएट्री लिखी थी. उसमें एक मैंने उस पोएट्री का नाम था मशहूर. उसमें एक सेंटेंस था, किसी मशहूर के जज्बात समझे नहीं जाते, मशहूर के जज्बात बस बिकते हैं. ज्यादा कि जज्बात बिके यहाँ पे, लोगों को टॉपिक मिल जाए बात करने के लिए या कुछ है या जो है. कोई किसी चीज़ को लेकर नाराज होता है, लोग उस चीज़ से किसी और के साथ किसी चीज़ के साथ कंबाइन कर लेते हैं. इससे प्रॉब्लम अगर एक पॉइंट के लोगों को समझ भी आई तब भी सोल्यूशन तो सिर्फ यही होता है, यही होता है. तो आई थिंक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब चीज़ अपने अंदर रखे. यू हैव टू डू इट यू नो नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ फील्स आपको करना पड़ेगा. प्योर ऑप्शन नहीं है. तो लोग होते हैं लेकिन सपोर्टिव आपके आसपास. जब पता है कि यू आर नॉट हैविंग अ रियली गुड डे, योर हेल्थ इज नॉट फाइन, आपको एक ऑफ दिया जाता है इफ इट्स पॉसिबल. फिर उसके बाद देयर पीपल हु टेक केयर ऑफ यू. यू मस्ट ऑलवेज हैव सम पीपल हु आर कंप्लीटली योर्स, यू कैन ट्रस्ट ऑन देम. तो वो लोग भी ध्यान रखते हैं आपका. आई आई थिंक सो दीज थिंग्स मैटर लॉट एंड यू हैव टू डेफिनेटली वर्क ऑन योर सेल्फ बिकॉज यहाँ पे पहले अगर आप गिरते हो ना तो कोई देखता नहीं है. जब आप कुछ बनते हो और गिरते हो ना तो दुनिया देखती है, हंसती है, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क डालती है, आपके वर्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालती है. आपकी वल्नरेबिलिटी भी दिखाना डिफिकल्ट हो जाता है. हर एक इंसान फ्लॉज के साथ है, वल्नरेबिलिटी के साथ है. हर एक इंसान कहीं ना कहीं दुखी है बट ये चीज़ दिखाने से इंसान डरता है क्योंकि लोग एक्सेप्ट करने में कतराते हैं. अगर सब पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगे ना इंसानों को जैसे इंसान है, मुझे नहीं लगता कि सब इतना कोई खुश दिखेगा. एम्ब्रेस करना हम सबको आता ही नहीं है. So, there's one interesting question. I don't know if you can see that question mark symbol at the bottom of the screen. Someone is asking, how has your journey been as Lord Krishna? Because आपने 3 साल पहले शुरुआत की Lord Krishna को play, and I think during one of our interactions, you said that you have watched all other actors who played Lord Krishna, but you wanted to give the character your own flavor. और आज 3 साल बाद
जब लोग आपको लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएट करते हैं, आपकी जर्नी खुद की कैसी रही एज एन एक्टर एक्सप्लोरिंग लॉर्ड कृष्णा एंड इट माइंड स्पेस? मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी लाइफ में भगवान कृष्ण जैसा बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो होगा नहीं। आप खो जाओगे, आप कुछ और बन जाओगे, यू विल फील लॉस्ट। ऑल यू कैन डू इज यू कैन लर्न फ्रॉम हिम एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ। इन शॉर्ट आई से इट्स नॉट एट ऑल इजी टू कनेक्ट विथ ईच एंड एवरी थिंग। आसान नहीं है। आप अगर पूरी स्टोरी भगवान कृष्ण की देखो ना, पॉसिबल ही नहीं है कि हम में से कोई भी इंसान ये सब चीज़ कर सके। हमको बस उनसे जितना हो सके सीख के अपने लाइफ में अगर हम लोग ला सके ना। आप कभी भगवत गीता, बहुत सारे लोग पढ़ने से थोड़ा ये हो जाते हैं कि पढ़ना रोज पॉसिबल नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो ऑडियो बुक कहीं सुनिए। मैं हमेशा टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, बट जब भी निकाल पाता हूँ ना, लाइफ को लेके थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है मुझे, एक शांति। यही लाइफ है, वही प्रॉब्लम्स है, वही सब कुछ है, जैसे हर एक के लाइफ में होता है। बट एक आप जब गाड़ी नया नया चलाना सीखते हो तो थोड़ा डर लगता है, ये हमेशा हम लोग लाइफ को लेके होते हैं। जब सीख जाते हो तो स्मूथली चलाते हो। ये श्री कृष्ण से अगर आप ज्ञान अर्जित कर लोगे तो ये होता है। तो मुझे लगता है कि कोई बने ना उनकी तरह, ना कोई माने कि कोई है उनकी तरह, वो एक ही है श्री कृष्ण। उनसे जितना हो सके ज्ञान सीखो, लाइफ में अप्लाई। Where your posts for Siddharth Nigam and he is a fantastic dancer as well. और आप लोगों ने चक्रवर्ती अशोक सम्राट में एक साथ काम किया and you guys are friends. Can your fan expect to see the two of you together again soon? देखिए, मैं किसी को ऐसा झूठी आशाएं तो नहीं दे सकता, बट ऐसा कुछ लाइंड अप नहीं है। बट डेफिनेटली अगर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके अगर कहीं ऐसा कुछ शो आता है जहाँ पे मी एंड सिद्धार्थ वी ऑल हैव टू कोलैब, डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो विल डिनाई, आई डोंट थिंक सो इवन आई विल डिनाई। आई थिंक सो विल बी अप फॉर इट एंड वील लव इट। जो हम इतने साल बाद साथ में आएंगे एक दूसरे के, बिकॉज आई थिंक सो उसके साथ बहुत एक हम सेट पे हमारे बीच में एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन होती थी, जिससे हम दोनों की ग्रोथ होती थी। इट्स लाइक वी ऑलवेज वॉन्टेड टू परफॉर्म बेटर 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 बेटर, और इसमें हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी। सो देयर इज पैशन इन सिद्धार्थ निगम एंड आई लव इट। We have very less time left. What would you like to say to your fans before we sign? टू ऑल माई फैंस, आई जस्ट लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू यू फॉर ऑलवेज बींग देयर, ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ऑलवेज स्टैंडिंग बाय माई साइड, एंड ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग मी, अंडरस्टैंडिंग माई वल्नरेबिलिटी एज वेल, अंडरस्टैंडिंग मी माई फ्लॉज। मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ। हमेशा उम्मीद होती है हर एक एक्टर से कि आप परफेक्ट रहो, परफेक्ट चलो, परफेक्ट बात करो, परफेक्ट, बट ऐसा मैं हूँ नहीं। और मैं हूँ, बस इतनी बात है। और मेरे फैंस वो समझते हैं, और आप सबको मैं बस यही कहता हूँ कि यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज थिंग्स। आपने वोट किया, उस चीज़ की वजह से अवार्ड्स मिले। वो अवार्ड का कुछ तो कन्फ्यूजन था, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वॉट वॉज इट, बट देन इट्स फाइन फॉर मी। वॉट मैटर इज कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, एंड आई मैटर टू यू गाइज, माई वर्क मैटर्स टू यू गाइज, एंड डेफिनेटली प्लीज प्लीज मुझे ऐसा ही प्यार करते रहो, अच्छा लगता है बहुत। एंड बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं बहुत अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव।